परमात्मा पार्श प्रभु को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रवण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, नौ श्लोक पूरे हो चुके हैं। आज कल्याण मंदिर स्तोत्र का दसवां श्लोक हमारे सामने है। त्वं तारिको जिन कथं भविनां तएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वाद्रिति स्त्ररति यज्जलमेशनून यद्वाद्रिति स्त्ररति यज्जलमेशनून मन्तर्गतस्य मरुतः सकीलानुभाव त्वं तारको हे प्रभु, आप तारक है तो प्रभु आप कैसे तारक है? त्वं तारको कौन होता है? तारने वाला कौन व्यक्ति है जो किसी को तैरा सके? तो सबसे पहली बात है कि जो समर्थ होता है वही किसी को तार सकता है, पार उतार सकता है। मैं आज की बात एक कहानी से ही शुरू करूं। शहर में पति पत्नी आए और इधर देखे उधर देखे बात करे तो बड़े सिटी की बड़ी बातें होती हैं। इधर पूछा पड़ोसन से कि कहाँ गई थी, कि मैं स्विमिंग करती हूँ। दूसरी पड़ोसन से बात हुई कि कहाँ गई थी, कि मैं भी स्विमिंग करती हूँ। उसने सोचा, रे मैं तो ये भी नहीं जानती स्विमिंग क्या है, थोड़ी जानकारी की तो स्विमिंग का मतलब है तैरना। तो उसने देखा कि तैरने का मतलब है पानी में हाथ पैर हिलाना, तो चलो अच्छी बात है। फिर दो चार और किसी से बात हुई, मैं मेरे बच्चे को स्विमिंग ले जा रही हूँ। उसने सोचा, अरे भी बच्चे भी तैरते। अब तो वो पति के पीछे पड़ी और कहने लगी कि मुझको भी तैरना है, मुझे भी आप कुछ ला के दो। और आप जानते हैं पुस्तकें लिखने वाले भी कम नहीं होते, और उसमें लिखा था, पुस्तक का नाम ही था तैरने के 100 नुस्खे। उसको लेकर आ गया पति और कहा, अच्छी तरह से पढ़ लो और फिर तुम तैरने जाना। अब पति ने भी तैरना कभी सीखा नहीं, तैरना कभी जानता नहीं, पत्नी भी नहीं जानती, और आखिर नुक्से की पुस्तक को एक बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और पढ़ करके उसको तो ऐसे लगा कि मैंने तो याद ही कर लिया, जैसे बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस की बुक को याद कर लेते हैं। फिर वो बार बार परीक्षा देते तो, और कई बार फेल होते ही रहते हैं। तो अब वो हैंड्स ऑन कैसे हो, उसकी जितनी प्रैक्टिस चाहिए उतनी रीडिंग की नहीं चाहिए, लेकिन रीडिंग और लर्निंग जैसा कर लिया तो अब वो गई और जाकर के जैसे जैसे लिखा था वैसा वैसा किया, लेकिन पानी में डूब गए। तो टीम बुलाई गई, निकाला गया, बाद की बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पुस्तक पढ़ के तैर नहीं सकता। तो कि हे प्रभु, आप त्वं तारको, आप तारने वाले हैं।
लोग तो तैराकी सिखाते हैं, वो तो साधारण लोग होते हैं, और साधारण ही समुद्र नदी नाले और जो स्विमिंग पूल्स बने होते हैं उसमें तैराते हैं। लेकिन हे प्रभु, आप कैसे तारने वाले हैं, कैसे संसार रूपी समुद्र से पार उतारते हैं। हे प्रभु, जो लोग तरते हैं, संसार रूपी समुद्र से पार जाते हैं, वे कैसे तैरते हैं। और उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि वो आपको हृदय में धारण कर लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि लोग संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति उन्हें अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। और धारण कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कोई बड़ा कष्ट नहीं है। तो जो व्यक्ति संसार समुद्र को पार करना चाहते हैं, वे आपको हृदय में धारण करते हैं, और आपके इस ढंग से उनसे तार जुड़ जाते हैं, और वे यानी वे ही व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हाँ, अब और आगे बढ़ते हैं तो प्रतिक्रमण में भी एक ऐसा पाठ आता है, तिन्नानम तारयानम। तिन्नानम यानी हे प्रभु, आप स्वयं तीर्ण हैं, आप स्वयं उत्तीर्ण हैं, आपने तैर के पार किया है। तो आप ऐसे लोगों में हैं जिन्होंने तैर करके इस संसार रूपी समुद्र को पार किया है। तो तिन्नानम तारयानम, इस भाव से व्यक्ति चलता है तो उसकी यात्रा सुगम और संतोषप्रद बन जाती है। अब हम तिन्नानम तारयानम का साक्ष्य नमोत्थुनम नामक सूत्र में देखते हैं कि हे प्रभु, स्वयं तैरे और फिर लोगों को तारा। अब आप देखिए उस पुस्तक को पढ़ करके वो औरत गई और डूब गई, और कहीं हम देखते हैं बूढ़े जवान बच्चे सभी पार्क में आ आकर के बैठते हैं, धूप का सेवन करते हैं। और तो अब उनकी स्थिति में हम देखते हैं जो तारक होते हैं, तारने वाले होते हैं, वे पोता नौका। तो आप प्रभु कैसे तारक बन गए। तो अब बताया जाता है कि जिनके हृदय कमल में यदि एक व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, तो फिर उसके जो भी स्थिति है, यानी वो नौकार मंत्र के साथ नमोत्थुनम का पाठ भी करता जा रहा है, तिन्नानम तारयानम। तो यहाँ तीर्थंकर अनाड़ी खिलाड़ी नहीं है, वे मजे हुए हैं और वे आध्यात्म स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में उनको कहना आप हमारे लिए सब कुछ करो, हम उनके लिए सब कुछ नहीं कर सकते। अब क्या बात है, त्वामुद्वहन्ति हृदयेन, और आपने उन मनुष्यों को अपने विशिष्ट योग बल के द्वारा अपने भीतर ले लिया। त्वामुद्वहन्ति, तो हे प्रभु, जैसे आपने अपना घर बनाया, उस महान व्यक्ति को भी संथारा दिलवाया, और उसके साथ साथ यानी उसको तैरने का मार्ग भी बताया। तो तिन्नाणम तारयाणम, तिन्नाणम और तारयाणम में
हम देख रहे हैं लोग सूत्र के बाद जो नमोत्थुण सूत्र होता है उसकी स्टडी भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। त्वा मुद्वहन्ति हृदयेन यत्तरन्ते, तुम जो भक्त और भगवान की एक निकटता का उदाहरण है, त्वा मुद्वहन्ति हृदयेन यत्तरन्ते, कि हे प्रभु जो आपको हृदय में धारण करते हैं। तो चित्र भी ऐसा बना हुआ है कि भगवान वितराग को हृदय में धारण कर रखा है। आपने देखा होगा केंकरू बहुत दिनों के बाद जब अपने बच्चे को संभालती है तो वो भगवान का लाख लाख शुक्रिया करती है कि मैं कहाँ छलांगे मारूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास है तो मैं हृदय में धारण कर लूं। तो ठीक जो व्यक्ति इस प्रकार हृदय में धारण की बात करते हैं और साथ में वे अग्रेसिव भी हो जाते हैं, साथ में जो व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ है यानी प्रभाव और प्रभावी, तीर्थंकर प्रभावशाली है, तो जो उनको हृदय में धारण करे वह भी प्रभावी बन जाता है, स्वतः प्रभावशाली बन जाता है। एक मार्मिक उदाहरण आता है कि राम रावण का जब जो युद्ध हुआ उस युद्ध में हनुमान की तरफ से हनुमान की भक्ति को समन्वित करके और पूरे रूप से वह व्यक्ति क्या करता है कि राम नाम लिखता है। आपने देखे होंगे कुछ लोग नौकार मंत्र की कॉपियां भरते हैं, कुछ लोग राम नाम की कॉपी, कुछ लोग कृष्ण नाम की, तो अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हृदय में धारण कर लिया तो इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है हनुमान जी। हनुमान जी है वो, एक बार जब पुल बन रहा था जो भारत से लंका की ओर जाने का, तो उन्होंने किया कि एक एक पत्थर पर राम नाम लिखते और फट से उसे जल में डाल देते। किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर कुछ लोगों की पत्थर रिजुनुएट, कुछ लोगों के पत्थर जहां थे वैसे ही एकदम डूब जाते हैं। तो अब दूसरी जगह जाकर के इम्तिहान देना चाहे तो वह बाकी वहां स्थित नहीं होते। लेकिन हम जो कर रहे हैं चाहे वह ग्रंथ वाइज हो, वाइज हो, नाम वाइज हो, आदि कुछ जरूरत मिले तो वैसे इस समय इस कार्य को इस रूप में देखें कि नाम का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव और भक्त से भगवान बनने तक की राह है। तो जो व्यक्ति अपने भीतर धारण कर ले यानी इंटरनलाइज कर ले, वह व्यक्ति तो ठीक वैसा ही हो जाता है कि जैसे हनुमान ने राम नाम लिख करके पत्थर डाला, वो पत्थर डूबा नहीं, और स्वयं राम ने एक पत्थर डाला वो पत्थर डूब गया। तो जो व्यक्ति सजग है, जागरूक है, तो उसको जो स्थिति है उस स्थिति को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वह भाव नहीं होता
द्रव्य क्रिया तो जड़ क्रिया ही रह जाती है, जब भाव होता है तो प्रभाव भी होता है, स्वभाव भी बदलता है। तो हनुमान जी ने आव ने देखा ताव, तुरंत पुल बनाने के लिए पत्थर लिया और पत्थर पे लिखा राम और बड़ा सा वो पत्थर डाल दिया। दूसरे दिन फिर वापस शत्रु सेना में खलबली मची कि अरे ये तो पुल बना रहे हैं। तो उसके बाद उनकी स्थिति में बड़ा अंतर आया है। तो जो व्यक्ति आपको धारण कर ले, इस उदाहरण को हम यूं समझते हैं कि जब स्विमिंग पूल में आप लोग जाते हो और जो नोवाइस है, नए हैं, बहुत स्विमिंग नहीं की हुई है, डूबने का डर लगता है, किंतु पानी पुकारता रहता है। हमको यह भी पता है कि ये तीन इसको क्रॉस कर चुके हैं। तो वैसी स्थिति में हे प्रभु जो आपको धारण कर ले, तो हनुमान जी ने भी क्या किया, राम को भीतर धारण कर लिया और राम नाम की जो भावना से अपने आप को भावित कर लिया और बाहर जाकर निष्ठ की जो स्थिति है वहां पास में बैठ करके बहुत सारे व्यक्ति, जैसे जो भी सोर्स पर्सन है उसके माध्यम से ही वो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार का तीसरा उदाहरण है, वो है पानी की दी बड़ी। पानी की जो भी पंप है वो आज डिजिबल स्थिति में भी कई कई ऐसे पोलियो ग्रस्त बच्चे भी तैर लेते हैं, कई कई ऐसे व्यक्ति भी जिनको बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो जो पाइप है उसमें हवा भरी हुई है और उसके माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति तैरना सीख लेते हैं, तैरना जान लेते हैं। तो इसके लिए हम सब कृत संकल्प बने और कृत संकल्प बन करके जब कोई नहीं है तो उसमें भी प्रश्न पूछने की कोई व्याधि है। ओम अरहम। तो जो भक्त और भगवान बनने की दूरी है वो दूरी है हमारा प्रमाद, हमारा कसाय। तो जैसे एक पानी से जो बचाने वाली है वो हवा है, और उस हवा वो बहुत लाइट भी है, और उस हवा पर बैठ करके ही ये काम अंजाम दे सके, और कोई दूसरा व्यक्ति हो तो वह सोचेगा कि भी यूं कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जो पानी पीने की ऐसी बोतल है जो टाइमलेस लेती हो, और साथ में अरुणी से बात हुई थी कि जो व्यक्ति अपने भीतर की स्थिति को, अपने भीतर की स्थिति को अग्नि यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर है पानी और पानी में है वो ट्यूब, और उस ट्यूब को या उस दीबड़ी को या हवा से भरी हुई एक बैग का सहारा लेकर भी व्यक्ति तैर जाता है। तो यहाँ इस रूपक से आप समझे कि जो हवा है वह, जो बैग में जो हवा है वह भक्ति रूप है। तो हे प्रभु तैराने वाली कौन है, हवा है। तैराने वाला कौन है, राम का नाम है, जिनके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिनेश्वर का नाम है जिनके माध्यम से पत्थर भी तैर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस स्थिति के लायक बने। जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक व्यक्ति चाहे वह कितने ही पैसे वाला हो लेकिन चिंतित रहता है
किसी के बोलने पर कुछ नहीं कहता है और वो उस स्थिति में अभी भी उसी को भोग रहा है। इसलिए बहुत अपेक्षित है कि हम वीतरागता की इस यात्रा में ठीक वैसे ही आगे बढ़े एक भिखारी सेठ के द्वार पर गया और कहा, सेठ जी आज तो कुछ नहीं मिला है, आपकी और लीली की बात सुन रही थी और उससे ये पता चला कि ये सब डिले हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आप पर विश्वास रखता है, उसके साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति इस प्रकार अध्यात्म की शिखा को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आप समझ गए होंगे कि इस श्लोक के सार में भक्ति मुख्य है, जिसको हवा के उदाहरण से समझाया गया है कि जो एयरबैग है, हम सोच रहे हैं एयरबैग तैरा रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो एयरबैग में भरी हुई हवा है, यदि आप उस बैग में पत्थर भर दो तो भी वह बैग नहीं आपको पार ले जाएगी, बल्कि आपको डुबो सकती है। इसलिए जो एकात्मकता हम स्थापित करें, त्वम तार को जिन कथम भविनांतैव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः, वे ही पार जाते हैं जिन्होंने आपके नाम को हृदय में धारण कर लिया है। आपके नाम को जो हृदय में धारण नहीं कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति कभी पार नहीं जाएंगे। और पार पहुंचने के लिए जो यात्रा करनी है, और वह यात्रा कैसे आगे बढ़ सकती है, तो उसका भी एक उदाहरण हमें दिया कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार आगे बढ़े। तो उसको आगे बढ़ने के लिए एक तीसरा तत्व चाहिए, और वह तत्व है जो दोनों में एकात्मकता स्थापित करे। और वह एकात्मकता स्थापित होने के लिए हमें भक्ति चाहिए, और भक्ति के महात्म्य को हम समझे। और जब भक्त भक्ति करते करते इतना लीन हो जाता है कि प्रभु और भगवान की दूरी, प्रभु भक्त और भगवान की दूरी मिट जाती है, एकात्मकता आ जाती है, और एकात्मकता आते आते बस ऐसा ही लगता है कि वह मैं हो गया हूँ, सोहम की ध्वनि, सोहम जैसा ही स्वरूप, यानी हे प्रभु मैंने तो एक देश में, एक हृदय में आपको धारण किया। और आप देखते हैं, यदि हम इसको भावों पर समझें, यदि भावों की स्थिति में समझें, तो समझ में आएगा कि जब तक हमारे औदयिक भाव प्रबल है, तो औदयिक भाव में हम प्रभु के ध्यान की तरफ कम बढ़ते हैं। जब उपसम भाव आता है, तो उपसम भाव में, यानी हमारे कर्म है, लेकिन कर्म के होने के साथ साथ भी हमारी जो निर्मलता है ऊपरी तौर पर, यद्यपि कर्मों का गर्द नीचे जमा हुआ है, लेकिन ऊपर से हम काफी हल्के हो गए हैं, तो वह उपसम भाव आ गया। और जब कुछ व्यक्ति तप के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा क्षय कर कर चलता है, तो वह सफाई होती जाती है। लेकिन क्षयोपसम भाव कुछ उदय है और कुछ उपसम है,
और कुछ क्षय हो गया है तो वैसी स्थिति यानी आम आदमी की वह स्थिति है जो क्षयोपशम भाव वाला है, उसे बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। बार बार के यत्न के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा वह व्यक्ति सफलता का रास्ता देख सकता है, पा सकता है। त्वं तारको जिन कथम भविनान्तैव त्वामुद्वहन्ति हृदये यदुत्तरंत है यद्वा धृति स्तरति यज्जलमेशनुन मंतर्गतस्य मंतः सकिलानुभाव है। तो हे प्रभु, जो आप तारक हैं वो ऐसे तारक हैं जैसे कि कोई एक एयरबैग किसी को तैरा सकती है, और वो अंतर्गत यानी जो मध्य में रही हुई वायु ही तैरने का साधन बनती है। उसी प्रकार हमारा क्षय भाव, क्षय संभाव, उपसंभाव, ये भी हमें तैराने में साधक बन सकते हैं, हमारे लिए बोध पाठ बन सकते हैं। तो इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने एक ऐसा तथ्य प्रस्तुत किया है कि यदि आत्मा का कल्याण चाहते हो तो तीर्थंकरों की उपासना करो, तीर्थंकर के दर्शन करो, तीर्थंकर को हृदय में धारण करो, तीर्थंकर के साथ एसिमिलेशन करो। तो जैसे मशक की हवा तारती है वैसे ही हे प्रभु आप भी तारक बन जाते हैं। जो तो हमारे चारों ओर हवा ही हवा है, लेकिन ये हवा हमें नहीं तारती। जब वो एयर बैग में घुसती है तो वो हमें तारने वाली बन जाती है। तो ओम अरहम, हम प्रभु के नाम को अपने भीतर धारण कर सके, इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। क्वेश्चन नहीं है तो मैं भारती को